हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल से आप नया ब्लॉग। सभी मैं आया करोल बाग में। मेरी बाइक का गियर लेवल ख़राब हो गया है। अराउंड बाइक में चल गई है 6 to 7,000 किलोमीटर। तो अभी मैं जा रहा हूँ गियर लेवल ख़रीदने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गियर लेवल कैसे चेंज होता है और क्या प्राइस है गियर लेवल का और किस स्टेज पर आकर के गियर लेवल का आपको चेंज कराना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं शॉप। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गियर लीवर आ गया है। अब वही दिखाओ एक बार मेरे को कैसा है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे गियर लीवर की फिटिंग कैसे होती है। हमारे साथ है पप्पू भाई। एक बार पप्पू भाई हेलो बोल दो कैमरा में। दिखाओ। तो ये है गियर लीवर, जैसे कि आप देख रहे हैं एवेंजर बाइक के लिए है। ये मैंने अभी ख़रीदा है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? ये इसका ग्रुप कट जाता है इसके अंदर। अच्छा। इसके और इसके और ये वाला तो ग्रुप कट जाता है, उस वजह से आपको गियर लीवर चेंज करना पड़ता है। और ये बहुत टाइम से मैं पहली बार चेंज करवा रहा हूँ। मेरी बाइक चल गई अराउंड 6 to 7,000 किलोमीटर। तो अब मैं फिटिंग का प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये क्या लगा रहे हैं? ग्रीस। अच्छा, लगाने से पहले ग्रीस लगा रहे हैं पहले वो बोल्ट पे। उसके बाद बंद कर दिया इन्होंने, देख सकते हैं आप। अब मुझे ये चेंज कराना पड़ा है इसलिए बिकॉज मेरा गियर बार बार अटक रहा था। और कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ था कि वो थर्ड पे या सेकंड पे आके अटक गया, उसके बाद कोई और गियर लग ही नहीं रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इसको अब चेंज करा ही देते हैं। देख सकते हैं आप, दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, फिटिंग का प्रोसेस बहुत इजी है। पहले उसका बोल्ट निकालते, बोल्ट निकाल के उसको आगे लगाया। अभी इन्होंने अब एक जो है जहाँ पे फुट रेस्ट है वहाँ पे ले गया और एक जो है आपका वो उसके ऊपर। कौन से नंबर की चाबी यूज़ कर रहे हैं? 17 नंबर। इसमें आपको 17 नंबर की चाबी यूज़ की जा रही है यहाँ पे, देखिए। और जो बोल्ट अभी कसे उसी में उन्होंने ग्रीस लगाया था, ये देखिए। ये देख सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और इसी के साथ मेरा कैमरा गिर गया। पीछे का बोल्ट लगाने के बाद फिर यहाँ आगे से उसको कसना होता है और उसके बाद ये लगेगा यहाँ पे जाके। ये किस चीज़ में लग रहा है पप्पू भाई? गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट में इसको लगाना है। उसके बाद वो पहले गियर चेक करेंगे बाइक न्यूट्रल पे कि नहीं, उसको उसके हिसाब से लेकर सेट कर देंगे। देखिए उसको आँचे कस दिया उन्होंने, बट उसको कसने के टाइम पे क्या ध्यान में रखना है कि वो फर्स्ट गियर कौन से गियर पे? न्यूट्रल पे वो देखना
देना ना आगे पीछे, सेंटर होनी चाहिए। अच्छा, सेटिंग दे इसकी। अच्छा, तो अभी ये न्यूट्रल पे है या गियर में है? अभी न्यूट्रल पे है। तो न्यूट्रल पे ला के इसको आपको एकदम बीच में सेंटर में लाना है कसने से पहले। उसके बावजूद ना हो इससे सेटिंग होगी। अच्छा, ये क्या है? सेटिंग के लिए लीवर होता है। अच्छा, पहले लीवर में लगा दिया लीवर हमने, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेटिंग हो रही है इसकी। इसमें एक उल्टी चूड़ी होती है, एक सीधी चूड़ी होती है। अच्छा, हो गया। तो ये लग गया हमारा गियर लीवर, देखिए आप नया नया चमक रहा है अभी। उसमें क्या हुआ था, मेरे पुराने वाले में क्या दिक्कत आई थी? इसमें घाट होते हैं, घाट कट जाते हैं इसके। अच्छा, ये देखिए इसमें इसका एक घाट था जो कट गया था, और दूसरा एक और बस ये। हाँ, तो मेन इसी घाट के कटने की वजह से ये सही से लग नहीं रहा था, अटक रहा था, इसको मैंने फाइनली चेंज करा दिया है। कैसे मैंने चेंज करवाया अपना आज गियर लीवर, तो आप कौन से केस में इसको चेंज करा सकते हैं और कितना प्राइस है वो आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, कि अगर आपका गियर अटक रहा है या स्लिप कर रहा है या न्यूट्रल लग जा रहा है बार बार अपने आप, तो उसका मतलब कि आपको गियर लीवर चेंज कराने का वक्त आ गया है। और ये मैंने ख़रीदा है करोल बाग से लिया था, तो मुझे थोड़ा चीप रेट में मिला है। ये मिला रहा हूँ मुझे 570 रुपीज़ का गियर है। अब शोरूम से ख़रीदेंगे तो ये आपको अराउंड 750 का पड़ेगा। तो चलिए फटाफट सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में।